एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ये टीका बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है, बक्सम शीट ली है जिस पर गोल्डन पेंट किया है, वुड बेस लिया है, और यहाँ पर मैंने जंप रिंग ली है, वाइट कलर का पर्ल लिया है, आई पिन ली है, हिट पिन ली है, गोल्डन कलर की इयर रिंग हुक लिया है, पर्ल चैन ली है। तो सबसे पहले ये जो वुड बेस है इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसी की साइज़ का हम बक्रम शीट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका शेप दे देंगे गोल, और इसके बाद हम इसको कैंची से कट कर देंगे। देखिए इसको कट कर दिया है इसी की शेप में, और हिट पिन लेंगे, हिट पिन के अंदर पर्ल को डालेंगे और हिट पिन को कट कर देंगे। फिर इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको थोड़ा राउंड शेप में हम इसे कर देंगे ताकि हम इसको आई पिन के अंदर डाल सकें। और इसी तरह से सारे पर्ल को मैंने रेडी किया है, और ये जो आई पिन है, आई पिन को हम इसे छोटा कर लेंगे, मतलब कट कर देंगे। तो इस तरह हम सारी आई पिन को कट कर देंगे। देखिए इसको, इन सबको मैंने कट कर दिया है। अब ये जो पर्ल चैन है, पर्ल चैन के अंदर हम जंप रिंग को लगा देंगे और उसी के अंदर हुक को भी लगा देंगे, ईयर हुक को। एंड ये जो आई पिन है, आई पिन को हम इसे खोलेंगे, उसका जो मुंह है इसको ओपन करेंगे और उसके अंदर पर्ल चैन को डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्टोन चैन ली है, और यहाँ पर मैंने फ्रेम कुंदन लिए हैं। तो ये जो आई पिन है, आई पिन का जो मुंह है इसको हम खोलेंगे और इसके अंदर हम याले मोती को डाल देंगे जिसको हमने हिट पिन के साथ रेडी किया था। एंड देखिए सारे मोती को मैंने आई पिन के साथ रेडी कर दिया है। इसके बाद हम फैब्रिक ग्लू लेंगे, और फैब्रिक ग्लू से हम ये जो फ्रेम कुंदन है, फ्रेम कुंदन को इसके ऊपर हम लगा देंगे, मतलब इसको डेकोर कर देंगे। और डेकोर करने से पहले हम ये जो मोती है, मोती को आई पिंस के साथ हम इस पर वुड बेस के ऊपर, मतलब वुड बेस के पीछे वाले पार्ट पर हम इसको लगा देंगे आई पिंस को, और इसको थोड़ा अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद हमने ये जो बकरम शीट कट की थी, बकरम शीट को इसके ऊपर वाले पार्ट पर लगा देंगे। और उसके पहले ये जो आई पिन के साथ हमने ये जो पर्ल चैन है, पर्ल चैन को लगा देंगे जिसको हमने आई पिन के साथ रेडी किया था। और इसके बाद हम बकरम शीट को लगा देंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, मतलब इसको एकदम अच्छे से चिपका देंगे, और इसको हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम वुड बेस को डेकोर करेंगे। और देखिए ये वुड बेस के ऊपर हम इसको लगा देंगे, फ्रेम कुंदन को इसके बीच वाले पार्ट पर। अब इसके बाद हम आसपास भी ये जो फ्रेम कुंदन है, फ्रेम कुंदन से डेकोर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने दो तरह के फ्रेम कुंदन यूज़ किए हैं, मतलब दो साइज़ के, एक छोटा है और एक बड़ा है। और बड़े वाले के आसपास सारे छोटे छोटे कुंदन को लगा देंगे। और अगर आपको अदर वीडियोज़ देखनी है हैंडमेड ज्वेलरी की, जैसे फ्लावर ज्वेलरी या फिर ब्राइडल ज्वेलरी, कुंदन की ज्वेलरी, या फिर जितने भी तरह की ज्वेलरी होती है, या फिर हैंडमेड मंगलसूत्र की वीडियो, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक को डालकर रखा है, तो वहाँ पर क्लिक कर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी तरह से सारे कुंदन को हम इस पर अच्छे से लगा देंगे। एंड देखिए जो टीका है वो रेडी हो गया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।